मैं वो किस्सा आपको सुनाता हूँ शायद उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी है क्या क्लास फोर्थ या फिफ्थ में मेरे स्कूल में एक बार सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ तो मैं और मेरे एक और फ्रेंड ने जो मेरा क्लोज फ्रेंड था वी बोथ पार्टिसिपेट हम दोनों ने अपना नाम लिखवा दिया कि क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन कम हो रही थी तो मैडम ने थोड़ा प्रेशराइज़ भी किया हमें कि आप पार्टिसिपेट करो तो हमने काफ़ी हिम्मत दिखाई और अब वी जस्ट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट तो जब वो कंपटीशन की जब रिहर्सल चल रही थी जब हम उसके ट्रेनिंग सेशंस में जा रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था जैसे ही आ, मेरा फ्रेंड गाता था तो गाने के बाद जब वो क्लास में आता था तो लोग उसकी काफ़ी काफ़ी उसका मजाक बनाते थे लोग उसको कहते थे यार तू तो क्या गा रहा है क्यों गा रहा है एहसान कर हम पे बंद कर दे गाना ऑन द अदर साइड मेरे सिंगिंग को लोग ठीक ठाक पसंद कर रहे थे और मुझे आने के बाद कहते थे अरे तूने तो अच्छा किया काफ़ी अच्छा किया तो धीरे धीरे क्या होने लग पड़ा ही स्टार्टेड नेगलेक्टिंग दोज ट्रेनिंग सेशंस वो जो मेरा फ्रेंड था वो ट्रेनिंग सेशंस में जाने से निगलेक्ट करने लग गया या इग्नोर करने लग गया और इनफैक्ट जिस दिन कॉम्पिटिशन था वो उस दिन आया ही नहीं स्कूल ही नहीं आया अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं एक बिहेवियर था बिहेवियर मीन्स कि एक्ट ऑफ सिंगिंग हमने गाना गाया एक बिहेवियर था लेकिन उसका कंसिक्वेंस कैसा आ रहा है कंसिक्वेंस वहां पर अब दो लोग थे दोनों का कंसिक्वेंस अलग अलग आया मेरा कंसिक्वेंस पॉजिटिव आ रहा था लोग मेरी तारीफ कर रहे थे लोग मेरे मेरे बारे में अच्छा बोल रहे थे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ गया उस काम को करने के लिए ऑन द अदर साइड जो मेरा फ्रेंड था उसके बारे में लोगों उसको ये सिंगिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि लोग उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे थे हो सकता है वो पर्सनली अपने बारे में अच्छा सोचता होगा कि वो अच्छा गा रहा है बट द प्रॉब्लम वॉज पीपल वर नॉट सपोर्टिंग दम कंसिक्वेंस वॉट गोविंग गेटिंग इन टू हिज फेवर जिसको कंसिक्वेंस को यहां पर मैं रिजल्ट से कह रहा हूं एफर्ट से नहीं कह रहा कि यहां पर हम कही कहीं ना कहीं रिजल्ट की बात करते हैं एफर्ट की बात नहीं करते इट इज बेस्ड ऑन लॉ इफेक्ट जैसा मैंने आपको बताया ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है तो ये रिजल्ट पर बेस्ड है तो रिजल्ट जैसा होता है किसी भी चीज का अगर हम किसी चीज का रिजल्ट अच्छा आता है तो हम काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं हम उस काम को बार बार करना पसंद करते हैं ऑन द अदर साइड अगर किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है या उस चीज का रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है तो हम कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज द वे वी शुड परफॉर्म अब सिंपल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में जिसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस है वो बिहेवियर रिपीट होता है अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ में से काफी लोगों का आ, का ओबिसिटी का प्रॉब्लम रहता है लाइक दे हैव वेट इश्यूज तो वो क्या करते हैं वो जिम जाना पसंद करते हैं अब जिम एक ऐसी चीज है जो इमिडिएटली रिजल्ट नहीं देती आपको उसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ता है थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है तो जिन लोगों का तो पहले ही एक महीने में कुछ वेट रिड्यूस हो जाता है तो वो लोगों का एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस आ गया तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करते चले जाते करते चले जाते हैं और उनका वेट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है ऑन द अदर साइड जिसका निगेटिव कंसिक्वेंस है ऐसी कोई भी चीज का तो वहां पर क्या होगा आप वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा लोग उस बिहेवियर को इग्नोर करेंगे छोड़ देंगे उस बिहेवियर को इसीलिए बहुत सारे लोग जिम पहले दो महीने एक महीने में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनका उनको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा वी आर नॉट एबल टू वर्क हार्ड और वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस हम अपने रिजल्ट्स को देख नहीं पा रहे कहीं ना कहीं एंड हेंस हम रिपीट करना बंद कर देते हैं उस बिहेवियर को। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज है इंप्लॉयज को कंट्रोल कर करने के लिए तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं पहला है पॉजिटिव री जो फर्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं सेकंड इज नेगेटिव री आप यूज कर सकते हैं थर्ड इज यू कैन यूज पनिशमेंट एंड फोर्थ यू कैन यूज एक्सटेंशन ये चारों ही के चारों बिहेवियर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या किए जाते हैं किसी भी में, के के में. की बात करते हैं इंडिविजुअल शोज पॉजिटिव और रिक्वायर्ड बिहेवियर सिंपल सी बात है अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है अगर कोई इंप्लॉय आपके हिसाब से काम करता है आपके डिजायर्ड बिहेवियर के हिसाब से काम करता है या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पर लिखा है कि अगर कोई इंप्लॉय टाइम पे जल्दी आता है या टाइम पर आता है ऑफिस आप उसको इमीडिएटली प्रेज करते हैं आप उसको इमीडिएटली उसकी तारीफ करते हैं इमीडिएटली उसको रिकॉग्निशन देते हैं या कई बार उसको मीटिंग्स में बुला करके वहां उसको अप्रेज करते हैं सभी लोगों के सामने तो होता क्या है एक पॉजिटिव री आ जाता है जैसे ही पॉजिटिव री आ जाता है तो आप सोचते हो कि मैं उस काम को क्यों ना दोबारा करूं मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है उस काम को लेकर तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ही छोटे छोटे रिवॉर्ड दिए जाते हैं छोटे छोटे आपको वही खुश कर देता है और आपको मोटिवेशन फील होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए दिस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग बिहेवियर अकरिंग अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको बार बार उस बिहेवियर को करने के लिए मजबूर करता है क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने इस साल ये काम किया और अच्छा किया और मुझे उसके बदले में अप्रेजल मिल रहा है या अप्रूव प्रेज मिल रही है तो मैं क्यों ना उस काम को दोबारा करूं इसीलिए मैं कहता हूं कि जो टेस्ट ऑफ सक्सेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चा छोटे एज में ही टेस्ट ऑफ सक्सेस को देख लेता है वो कभी पीछे नहीं आना चाहता क्योंकि वो उसके पॉजिटिव री को देख चुका होता है वो उसके आउटकम्स को देख चुका होता है उसको उसकी काफ़ी प्रेज मिल चुकी होती है इसलिए उसको लगता है कि अगर मैं इतना प्रेज ले चुका हूं तो मैं क्यों अब पीछे जाऊं और पीछे जाकर कुछ गलत करूं तो मैं और अच्छा ही अच्छा करता रहा ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे मुझे लोगों का प्रेज मिलता रहे रिवॉर्ड इज द पॉजिटिव रे इन्फोर्समेंट रिवॉर्ड कीजिए लोगों को अगर आप लोगों को रिवॉर्ड करते हैं बट नॉट नेसेसरी इफ एंड ओनली इफ द बिहेवियर इम्प्रूवस रिवॉर्ड कैन सेट टू बी ए पॉजिटिव अच्छा इसका एक चीज का बस ध्यान रखना रिवॉर्ड तो करना है लेकिन आप ये भी देखना है कि क्या रिवॉर्ड करने से इम्प्लॉय का बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है अगर तो इंप्रूव हो रहा है इसका मतलब रिवॉर्ड एक पॉजिटिव री है और आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते रहना चाहिए जिससे वो इंडिविजुअल हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता रहेगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एक चीज और ध्यान रखना इट मस्ट बी नोटेड दैट मोर स्पॉन्टेनियस इज द गिविंग ऑफ रिवॉर्ड द ग्रेटर री एनफोर्समेंट वैल्यूट इज अगर आप ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के बारे में आपको समझाता हूं अगर मुझे किसी रिवॉर्ड का पहले से ही अंदाजा है आई हैव एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड इन माइंड मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे पहले से एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं ये काम करूंगा ना तो मुझे यह मिलेगा तो आपका जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि वो सरप्राइज की तरह आपको नहीं मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं आपको पता था आप लास्ट में यही कहोगे कि ये तो मुझे पता ही था ये मुझे मिलेगा ऑन द अदर साइड अगर वो स्पॉन्टेनियस है अगर वो आपको सरप्राइज कर दे रहे हैं विद द रिवॉर्ड दैट मीन्स आप वहां पर काफी खुश होते हो आपको लगता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसका ये भी रिवॉर्ड मिल सकता है और फिर वो आपको रिवॉर्ड मिलता है जैसे मेरे YouTube चैनल को ही देख लें मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई देखने आएगा भी कि नहीं आएगा क्योंकि जो कंटेंट मैं बना रहा था वो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी YouTube पर काफ़ी अवेलेबल है ऐसी बात नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है बट लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो थैंक्स सो मच और उससे मेरा स्पॉन्टेनियस uh, है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज था मेरे लिए भी और मेरा भी पॉजिटिव री हो गया जो कि मुझे मोर एंड मोर कॉन्टेंट बनाने के लिए मजबूर कर रहा है नेक्स्ट सो नेक्स्ट वी हैव इज निगे री अब थोड़ा सा इसको समझना ही है उत्कर्ष डजन वॉन्ट टू ईट ग्रीन वेजिटेबल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ उत्कर्ष नाम का एक कोई बच्चा है जो ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं करता उसके पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते रहते हैं और उसको हमेशा खिलाने के लिए कोई ना कोई नया जुगाड़ या तरीका सोचते रहते हैं ये हर घर हर इंडियन घर की कॉमन सी प्रॉब्लम है और हर घर में ये होता ही होता है एट द डिनर टाइम इफ देर इज अ ग्रीन वेजिटेबल जब भी वो प्लेट पे ग्रीन वेजिटेबल देखता है वो क्या करता है वो स्क्रीम करने लग जाता है शाउट करने लग जाता है अब यहां पे ध्यान देंगे आप स्क्रीम एंड शाउट उससे क्या होता है जैसे ही आप वो करते हैं वो तब तक करता रहता है जब तक कि वो प्लेट वहां से हटा ना ली जाए जैसे ही वो प्लेट हटा ली जाती है चुप हो जाता है तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं पेरेंट्स भी थक गए हैं उसके स्टैंड्रम से और इसी वजह से वो क्या करते हैं जब ये इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है तो लास्ट में वो प्लेट हटा लेते हैं अब ध्यान से आप देखेंगे बिफोर क्या, क्या हो रहा था ग्रीन वेजिटेबल ऑन द प्लेट प्लेट पे ग्रीन वेजिटेबल था बिहेवियर उसका क्या है उस बच्चे का स्क्रीमिंग करना स्क्रीम कर रहा है प्लेट एंड हेंस फ्यूचर बिहेवियर क्या है कि उत्कर्ष विल ऑलवेज स्क्रीम वेन डजेंट वैर वॉन्ट टू ईट एनी ग्रीन वेजिटेबल तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को इग्नोर करने का उसको एक शॉर्टकट मिल गया और वो शॉर्टकट क्या है स्क्रीम करना और ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को बच्चों को मॉल में देखा है कि डॉल पकड़ पकड़ ली क्रिकेट का बैट लिया वो वहीं पर रो रहे हैं, पे लेट रहे हैं हैं जमीन लेट इस वजह से सिर्फ क्योंकि उनके पेरेंट्स उसकी बात मान और आखिरकार वो काम हो जाए तो नेगेटिव री क्या है एक तरह का नेगेटिव बिहेवियर है क्या लेकिन उसका रिजल्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव है आपके फेवर में रिजल्ट जाता है लेकिन वो बिहेवियर नेगेटिव है मैं आपको एग्जांपल देता हूं और भी फॉर एग्जांपल एग्जाम में चीटिंग को आप देखें एग्जाम में चीटिंग एक निगेटिव बिहेवियर है लेकिन जो लोग इसको करते हैं और उसको अगर उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल जाता है तो वो बार बार उसको रिपीट करने लग जाता है उसको लगता है है कि इसमें बुराई क्या करप्शन भी कुछ ऐसा ही है तो एक क्या है कि एक ऐसा एक्ट जो कि है negative, लेकिन वो आपको पॉजिटिव लगता है क्योंकि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका काफी इंप्लीकेशन है उसका रीजन ये है कि निगेटिव री कहीं ना कहीं एक तरह का बिहेवियर है जो कि काफी इंप्लॉइज करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कम भी काम कर रहे हैं तो भी तो हमें अप्रेजल मिल ही रहा है तो जो कोई ज्यादा कर रहा है वो क्या कर ले रहा है ऐसा जो हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कहने का मतलब है कि एक नेगेटिव बिहेवियर जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन वो बिहेवियर तो नेगेटिव ही है पॉजिटिव री भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है और नेगेटिव री भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है बस सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें हम पॉजिटिव री लगाते हैं और यहाँ पर हम निगेटिव री लगाते हैं जो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं लेट्स टॉक अबाउट पनिशमेंट ये तो काफी कॉमन है हर बच्चे की कहानी है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पनिशमेंट नहीं मिली होगी मेरे को तो काफी मिली थी बचपन में तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पनिशमेंट इन्स एप्लाइंग अनडिजायरेबल फॉर शोइंग अनडिजायरेबल बिहेवियर ऐसा कोई भी बिहेवियर जो आपको लगता है कि ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये बिहेवियर सही नहीं है उसके लिए हम उसको किसी को सजा देना किसी को अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस दिखाना उसका इसी को पनिशमेंट कहते हैं इससे क्या होता है फॉर सस्पेंडिंग एन एन एम्प्लॉय फॉर ऑर्गेनाइजेशन रूल ऑर्गेनाइजेशन के रूल को आपने तोड़ा और आपने किसी को सस्पेंड कर दिया गया अब अब जो क्या अब क्या हुआ है यहाँ पनिशमेंट मिली है आपको पनिशमेंट मिलने का मतलब है एक ऐसा कंसिक्वेंस आपको मिला है जो कंसिक्वेंस आपको एक लर्निंग देता है एक सबक देता है एक मोटिवेशन देता है इस काम का कि वो काम आप दोबारा ना करें कहीं ना कहीं स्कूल जब टीचर्स या जब स्कूल हमें पनिश करता था उसका सिर्फ यही पर्पज होता था कि हम वो काम दोबारा ना करें बट उसमें कुछ हमारे जैसे मेरे जैसे बच्चे भी होते थे को भी एक पॉजिटिव की तरह देखते थे लेकिन फिर भी पनिशमेंट काफी लोगों को सोसाइटी में इस बात का सबक देता है कि आप ये दोबारा ना करें ये बिहेवियर दोबारा ना दोहराए पनिशमेंट कैन बी बाय द पॉजिटिव री द अल्टरनेटिव सोर्सेज लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉय को पनिश कर रहे हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो आप उसको पॉजिटिवली री भी कर सकते हैं किसी अदर काम के लिए किसी और चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल किसी ने अगर तोड़ा है तो अगर आप उसको फाइन कर रहे हैं उसकी सैलरी काट रहे हैं तो उसके बदले में उसको आप आ, किसी अच्छे काम के उसको अप्रेजल देकर उसको कंपनसेट भी किया जा सकता है जैसा कि जनरली हर स्कूल में हर ऑर्गेनाइजेशन में हर घर में होता है कि किसी चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है उसके बाद आपको उन्हीं पेरेंट्स से थोड़ी देर के बाद ही कोई अच्छी चीज मिल जाती है कोई ऐसी मोटिवेशन पॉजिटिव री मिल जाता है जो आपको काफी मोटिवेट करता है लास्ट इज एक्सटेंशन अब एक्सटेंशन क्या है इट एम्प्लाइज एबसेंस ऑफ री किसी भी तरह का री नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है पनिशमेंट भी नहीं है कुछ मतलब किसी तरह का कोई री है ही नहीं हम मेजोरिटी यहाँ पर पॉजिटिव रीनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं ठीक है इन अदर वर्ड एक्सटेंशन इप्लाइज लोरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग रिवॉर्ड फॉर

खासकर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कोई भी अप्रेजल आपको इमिडियटली नहीं मिलता या कोई भी आपको बहुत ज्यादा प्रेज नहीं करता आपके काम के लिए या कोई भी आपको बहुत ज्यादा कोई इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मनी भी उनको आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होता तो वहाँ के एम्प्लॉयज का यही सोचना होता है कि हम क्यों करें इस काम को हमें फायदा क्या मिलेगा इस चीज़ का हम सीधा सीधा उस चीज़ को इस चीज़ से समझते हैं तो वो जो एक्सटेंशन हमें वहाँ पे नजर आता है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कुछ ही लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और मेजोरिटी लोग जो हैं वो काम करने में उतना ज्यादा और उसको एडमायर नहीं करते काम को क्योंकि उन्हें उसके बदले में कोई पॉजिटिव री नहीं मिल रही और वो कहीं भी अगर नहीं मिलेगी तो काम करने का उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा अगर आप काम करने का आपको आपके अंदर एक एनर्जी नहीं रहेगी उस काम को करने के लिए मेरी आपसे इसी इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताना दोस्तों क्योंकि उससे फिर मेरा एक्स्टिंशन ना हो जाए मेरे को पॉजिटिव री मिलता रहे और जिससे कि मेरी भी मोटिवेशन हाई रहे ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आए तो लेट्स टॉक अबाउट दोस क्रिटिसिज्म फर्स्ट इट कंप्लीटली इग्नोर द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ एन इंडिविजुअल क्योंकि ये कंप्लीटली कंसीक्वेंस के ऊपर बेस्ड था इसका जो मेन एजेंडा था वो ये था कि आपके किसी भी बिहेवियर का कंसीक्वेंस क्या है लेकिन उसमें जो एक चीज इग्नोर हो गई वो ये हो गई कि वो पर्टिकुलर पर्सन

वो इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गनाइेशन पर बेस्ड है अगर ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता रहेगा तो एम्प्लॉय पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेट होता ही रहेगा ऐसा नहीं हो तीसरा क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का वो ये था कि इस थ्योरी को एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए के लिए बना यूज कर रही है बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब है कि एक तरह का आप इसका मतलब ये है कि आपका फोकस किस चीज के ऊपर नहीं है तो कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कि वो चीज हो क्यों रही है

तो और वो अच्छा भी है क्योंकि उसी से नई थ्योरी का जन्म भी होता है तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो सो दिस वॉज ऑल अबाउट री इन्फोर्समेंट थ्योरी आई होप यू एन्जॉय दिस पर्टिकुलर लेक्चर अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज ऑल्सो आई होप आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज वेरी सून विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन